रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बूंदी में श्री संतोष फिल्म के बैनर तले बन रही बॉलीवुड फिल्म पप्पू पनौती की शूटिंग जारी है। शुक्रवार को शहर के आजाद पार्क में सीन फिल्माए जाएंगे। फिल्म प्रोड्यूसर भवानी शंकर योगी ने बताया कि फिल्म में रामलीला मैदान का सीन है जिसे आजाद पार्क में फिल्माया जाएगा। सीन में शरद सक्सेना, राजेश भाटी, डॉली कौशिक समेत कई कलाकार नजर आएंगे। लेकिन जब हमने शुरुआत की उस समय कोई यहाँ बहुत ज़्यादा थिएटर ग्रुप या आर्ट वगैरह को लेकर कोई इस तरह का माहौल नहीं था, एटमोसफेयर नहीं था। तो ऑल द वे मैंने यहाँ से लखनऊ के लिए रुख किया और लखनऊ जाके थिएटर किया और काफ़ी देश के एज थिएटर्स लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, थिएटर करने का मौका मिला। और फिर वहाँ से उसके बाद मैं बम्बई गया और फिर बॉम्बे में मेरी शुरुआत यश चोपड़ा साहब के डायरेक्शन में हुई फिल्म वीर ज़ारा से। बड़ा छोटा किरदार था और फिर उसके बाद एक लॉन्ग लीड जो जिसे कहते हैं लीडिंग कैरेक्टर, वो लीडिंग मैन में मुझे मौका दिया आमिर खान साहब के प्रोडक्शन से, आमिर खान प्रोडक्शन से। हाड़ौती के निवासियों को यही कहेंगे कि बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत बहुत समझदार लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं राजस्थान के, हाड़ौती के, स्पेशली सारे ही जगहों के। और एक आर्ट एंड कल्चर को लेके अच्छा माहौल बनाए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। गवर्नमेंट से भी कहेंगे कि थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें करें कि इनकॉर्पोरेट करें, इससे काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो एक आर्टिस्टिक बैकग्राउंड मिलता है, लोगों को आर्टिस्टिक चीज़ समझने के बारे में मिलती है। दूसरा स्पोर्ट्स की ही तरह जो आर्टिस्टिक बैकग्राउंड है, जैसे थिएटर है या दूसरी आर्ट फॉर्म्स हैं, सिंगिंग है या कोई वोकल म्यूजिकल है या और भी आर्ट फॉर्म्स हैं, अगर उसमें कोई यूथ या कोई भी पार्टिसिपेट करता है तो वो बहुत सारी बेकार की चीज़ों से दूर रहता है और उसे जीवन को और समाज को बड़े अच्छे से समझने का अवसर प्राप्त होता है और बड़ा एक अच्छा नागरिक बनता है। फिल्म पप्पू पनौती में ये एक रिपोर्टर है, प्रकाश रिपोर्टर करके है, और फिल्म बड़ी ही कॉमेडी है, बड़ी मज़ेदार है। और फिल्म में ऐसा है कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है फिल्म का, जो राजेश प्ले कर रहा है, वो एक गांव का बड़ा सीधा साधा सा नौजवान है, फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है। और प्रकाश रिपोर्टर की लिखी हुई कहानी को कैसे फिल्म बनाना चाहता है, प्रकाश रिपोर्टर कैसे एक टीम अप होती है, एक टीम बनती है प्रकाश रिपोर्टर और एक बच्चा और ये जो राजेश है, हम लोग मिल के कैसे गाँव से फिल्म को आगे ले जाते हैं और एक फिल्म बनाते हैं। तो इस तरह की कुछ कहानी जो बड़ी मज़ेदार है और बहुत ही सर आए अरविंद गौड़ सर जो मेरे टीचर है, उन्होंने बोला कि कल हमारा प्ले है, तुम ये कैरेक्टर परफॉर्म कर लियो। मैंने कहा कि अच्छा ओके, मैंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देन नेक्स्ट डे फिर मैंने परफॉर्म किया लिहाफ, जो मेरा फर्स्ट शो था वहाँ पे थिएटर में, और वो बहुत अच्छा गया, सब लोगों को बहुत पसंद आई मेरी एक्टिंग, तो मैं बहुत खुश थी। बस धीरे धीरे वहाँ पर फिर शिल्पी मारवा मैम थी, उन्होंने मुझे टीच किया, अरविंद गौड़ सर उन्होंने मुझे टीच किया कि कैसे परफॉर्म करना है, कैसे एक्टिंग करनी है। फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे सिर्फ थिएटर नहीं करना है, मुझे तो टीवी में जाना है, मूवीज़ करनी है, सीरियल करने हैं, एड्स करने हैं। तो फिर बस फिर मैंने ऑडिशन देने स्टार्ट की। देन उसके बाद ऑडिशन देती रही, फिर कहीं से कॉल आई, फिर मुझे एड्स मिलने स्टार्ट हुए। मैंने होम शॉप एक्टिंग के लिए काफ़ी काम किया है। एंड फिर उसके बाद मैंने पहली मूवी कौन सी रही आपकी? मैं जो ये एड्स मैंने किए तो उससे मेरी थोड़ी प्रोफाइल बिल्डअप हो गई थी, तो फिर मैं ऑडिशन देती रही। भूमि मूवी है जिसका ऑडिशन चल रहा था। एंड जब मैं ऑडिशन देने पहुंची तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ऑडिशन तो बंद हो गया, कल था वो ऑडिशन। बट फिर भी बोलते हैं भगवान की अगर दया हो तो मिल ही जाता है कुछ ना कुछ। सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।